दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों किशोरावस्था आते ही हर एक लड़के लड़की में कई एक बदलाव और हार्मोन स्रावित होने लगते हैं, जिसके चलते लड़के लड़कियों के मन में प्यार की उमंग उठने लगती है। इसीलिए वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं, यानी कि किशोरावस्था आते ही लड़के लड़कियां एक दूसरे से दोस्ती करना पसंद करते हैं, एक दूसरे से बात करने का उनका मन करने लगता है, एक दूसरे के पास जाने का और एक दूसरे के साथ बात करने का मन कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे की नज़दीकियां भी उन्हें पसंद आने लगती हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए मन में प्यार भी अंकुरित होने लगता है। चलो बताते हैं कि आखिर टीनएज का प्यार कितना सच्चा होता है। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर वन, दोस्तों आज के समय में अक्सर लड़के लड़कियां टीनएज में कदम रखते ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं, किंतु उन्हें इतनी समझ नहीं होती कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। यहाँ तक कि उनके रिश्ते में प्यार है भी या नहीं, इसकी भी उन्हें कोई समझ नहीं होती, जिसके चलते अक्सर लड़के लड़कियां आकर्षण को ही प्यार समझ बैठते हैं और अपने कदम गलत दिशा में बढ़ा देते हैं, जिससे उनका कैरियर तो प्रभावित होता ही है, इसके साथ साथ उन्हें कुछ गलत तरह की लत भी लग जाती है जो उनके भविष्य के लिए भी सही नहीं होती। सेकंड नंबर, दोस्तों टीनेज लड़के लड़कियां जिसे प्यार समझते हैं आखिर में वह उनका प्यार नहीं होता, बल्कि वह तो मात्र आकर्षण और जुनून होता है जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, किंतु आकर्षण और जुनून में उठाया गया उनका कदम उन्हें गलत दिशा में ले जाता है, क्योंकि इस उम्र पर प्यार को लेकर मन में कुछ इस तरह की लहरें उठने लगती हैं जिन पर काबू कर पाना उनके लिए आसान नहीं होता, और यही लहरें उनकी जिंदगी को डुबो देती हैं, क्योंकि टीन एज लड़के लड़कियों को जो काम नहीं करने चाहिए जुनून जिज्ञासा और उत्सुकता में पढ़कर वह भी कर लेते हैं। थर्ड नंबर, दोस्तों टीन एज के अक्सर लड़के लड़कियां अपने आकर्षण और जुनून को प्यार समझकर अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ डीप लव भी कर लेते हैं, जबकि इस तरह के रिश्तों की उन्हें कोई समझ नहीं होती, जानकारी नहीं होती, यहां तक कि किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं होता, जिसके चलते कई एक गलतियां भी कर जाते हैं जो उनके जीवन पर भी भारी पड़ जाती हैं। इसके अलावा कई एक रोगों के शिकार भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि इस तरह के प्यार का उनके भविष्य कैरियर शरीर और मन पर भी बुरा असर पड़ता है। दोस्तों चाहे जिस एंगल से देख लो, टीन एज के प्यार का न तो कोई भविष्य होता है, इसीलिए न ही टीन एज का प्यार कभी सच्चा भी हो सकता है। इसके अलावा टीन एज में जो पसंद होता है और टीन एज पार करते ही वह पसंद भी बदल जाती है, जिसके चलते उनका खुद पसंद किया हुआ पार्टनर भी उन्हें पसंद नहीं आता, यानी कि टीन एज के प्यार का अंत बहुत बुरा होता है।